हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं सिंपल एक रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चले दिखाती हूँ मैं क्या रेडी किया है। इसका लिए मैंने आलू ली हूँ, उसे बॉईल करके रखी हूँ, अंडा भी बॉईल की हूँ, और प्याज एक लिया है, और सौंफ थोड़ा, एक चम्मच जीरा, थोड़ा लहसुन, काली मिर्च और दो सूखा मिर्चा और चेरी टमाटर, और ये मसाला को मैं पीस लूँगी पहले। अब इसमें मैं अंडा को फ्राई कर लेती हूँ पहले। देखिए अंडा फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी ऑयल में कलौंजी थोड़ी डालूंगी और करी पत्ता थोड़ा और अनियन, एक अनियन जो रखी थी उसे छोटे छोटे काटी हूँ, उसे भी इसी में डाल के मैं पहले भून लेती हूँ इसे मैं। देखिए ये अच्छे से भून चुका है सारे चीज़। अब मैं इसमें जो पीस के रखी थी वो मसाला डाल के इसे मैं भूनूंगी, थोड़ी हल्दी डाल के। अच्छे से मैं भून लेती हूँ पहले इसे, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डाली हूँ इसमें। अब मैं इसमें चेरी टमाटर डाल के इसे भी मैं पकाऊंगी थोड़े टाइम, इसको गलने तक। थोड़ी पानी ऐड करूंगी ये पकने के लिए टमाटर को। देखिए टमाटर भी गल चुका है, अच्छा से मसाला भी भून चुका है। अब इसमें मैं जो आलू मैंने रखी थी बॉईल करके उसे मैं इसी में डाल के भूनूंगी 5 से 7 मिनट तक। नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। देखिए इसे मैंने अच्छा से भून लिया है। पाँच से सात मिनट तक मैंने आलू को भून लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, इस मग का 1 मग। अब जो मैंने अंडा को फ्राई करके रखी थी उसे मैं इसी में डाल देती हूँ। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी 7 से 10 मिनट तक, इसे मैं ढक के पकाऊंगी कम आंच में। देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम को डालूंगी, डाल के इसे मिला लेती हूँ क्रीम 1 चम्मच में। अब इसी तरह मैं बिना ढके ही 5 मिनट पकाऊंगी इसे।
अब ये बन के रेडी है, गैस को बंद करती हूँ। देखिए इतना अच्छा से बन चुका है गर्मा गर्म चावल का साथ। इंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।